दोस्तों, भारत का सबसे अजीज दोस्त रूस इस वक्त खुद यूक्रेन के साथ एक भयंकर युद्ध में बिजी है, और ये युद्ध कब तक चलेगा दुनिया में इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। लेकिन रूस अपने दोस्त देशों का साथ कभी नहीं छोड़ता है, फिर चाहे वो खुद युद्ध में क्यों ना बिजी हो। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। भारत के साथ रूस के मित्रवत संबंध हैं, लेकिन रूस भारत के साथ जिस तरह की मित्रता निभाता आ रहा है उसे जानकर हर कोई दाद दे रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत दो चीजों के लिए संघर्ष कर रहा है। पहली ये कि भारत के पास ऐसी तकनीक वाली मिसाइलों का होना जो चीन के पास नहीं हो, और दूसरा भारत को UNSC में वीटो पावर का मिलना और स्थायी सीट पक्की होना, ताकि दुनिया में भारत का कद और ज्यादा बढ़ सके। और भयंकर खुशखबरी इस ये है कि रूस ने भारत की इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इसे एक मिशन की तरह ले लिया है। दोस्तों, भारत को चीन के खिलाफ सुपर पावर बनाने के लिए रूस ने भारत को एक नहीं दो दो बड़ी गुड न्यूज दी है। पहली तो ये कि रूस ने भारत को एक महामिसाइल का पहला बैच भेज दिया है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरी 24 अचूक मिसाइलें हैं, जिनका तोड़ वास्तव में चीन के पास नहीं है। और दूसरा अच्छा संकेत मिल रहा है UNSC की तरफ से, जहां जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों खबरें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारत रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। रूस ने भारत को दे डाली सबसे धमाकेदार मिसाइल। जिस मिसाइल से पहले ही डरा पड़ा था, वो मिसाइल आखिरकार भारत को मिली। दोस्तों, तमाम मीडिया हाउसेस से खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने भारत को वो अचूक मिसाइलें सौंप दी हैं, जो हवा में उड़ते किसी भी हेलीकॉप्टर, किसी भी फाइटर जेट को पल भर में खाक कर सकती हैं। और ये मिसाइल भारत पर्वत हो या मैदान, कहीं से भी अपने कंधे पर रख कर ही फायर कर सकता है। जी हाँ, इस मिसाइल के मिल जाने के बाद अब चीन के हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट 100 बार सोचेंगे। दरअसल, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि भारत ने रूस के साथ पिछले साल नवंबर में ही एक डील की थी, जिसमें भारत को रूस से 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलें मिलने वाली हैं। वास्तव में ये लॉन्चर्स और मिसाइलें भारत में ही बनाए गए हैं, और रूस के साथ में कुछ इसी तरह की डील हुई थी। इनका नाम है इग्ला एस मैन पैड्स। यह खास तरह के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जो किसी भी तरह के हवाई खतरे को नष्ट कर सकते हैं। इग्ला ऐसा एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसे कंधे पर रखकर दुश्मन के विमान को गिराने के लिए फायर किया जा सकता है। हाथ से पकड़ी जाने वाली रक्षा प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को गिराने की क्षमता रखता है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकता है और उन्हें टर्मिनेट कर सकता है। अभी तक भारतीय सेनाओं के पास इसके पुराने वर्जन मौजूद हैं। यह मिसाइल 6 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती है। यह मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट रफ्तार के साथ अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। नई इग्ला एस हैंडहेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी इग्ला मिसाइल को बदलेगी। पुरानी इग्ला मिसाइल 1990 के दशक में सेना में शामिल की गई थी। अब भारत इन मिसाइलों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में बनाना चाहता है। रूस कई सालों से भारत को हथियार देता आ रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों को लेकर कई समझौते हुए हैं। रूसी हथियार एक्सपोर्ट एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखीव ने कहा कि भारत और रूस के बीच इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम के लाइसेंस के लिए समझौता हो चुका है। इसे लेकर कोई भी इंसान या सेना दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए फायर कर सकता है। यह हथियार भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा पर अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। आत्मनिर्भरता स्कीम के तहत भारत हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम कर रहा है, बल्कि भारत की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार खुद बनाए। इसके बाद भी भारत पाकिस्तानी और चीनी सीमा को मजबूत करने के लिए रूसी हथियारों पर काफी हद तक निर्भर है। यानी दोस्तों, रूस भारत को चीन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। UNSC में भारत के लिए बड़ी जंग लड़ने वाला है रूस।
चीन भी नहीं बन जाएगा इस बार रास्ते का रोड़ा। दोस्तों, हाल ही में एस जयशंकर ने यह कहकर दुनिया में कोतूहल पैदा कर दिया था कि भारत को इस बार यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सीट मिलने जा रही है। अब दुनिया जानती है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ भी बोलते हैं तो उसके बड़े मायने होते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। जयशंकर ने पूरी हिम्मत के साथ कहा था कि भारत को इसी साल स्थायी सीट मिलकर रहेगी। दोस्तों, इसके बाद तो हर दिन संकेत मिलने लगे कि भारत को स्थायी सीट के लिए एक के बाद एक सपोर्ट हासिल हो रहा है। विशेषज्ञ कई बार ये कह चुके हैं कि भारत को इस साल सितंबर महीने में जो यूएनएससी का समिट होने वाला है उसमें भारत की डिमांड मानी जा सकती है। और दोस्तों, इसके बाद तो अब रूस की तरफ से भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि सितंबर में होने वाले इस समिट में भारत के वीटो और स्थायी सीट के लिए रूस कुछ बड़ा करने वाला है। अब हालांकि ये खुलासा होना बाकी है, क्योंकि रूस जो भी कुछ करेगा वो चीन को काउंटर करने के लिए ही करेगा। वहीं रूस जानता है कि चीन की कमजोरी क्या है। ताइवान को लेकर चीन कई साल से रूस का सपोर्ट हासिल करने की योजना बना रहा है, लेकिन पूरी तरह से रूस ने कभी भी ताइवान के खिलाफ चीन को समर्थन नहीं दिया है। लेकिन अगर यूएनएससी में चीन भारत के रास्ते का रोड़ा नहीं बनता है तो पूरी संभावना है कि रूस भी फिर चीन की बात जरूर मानेगा। रूस भी इस बात को मानता है कि विश्व में भारत वो देश है जो स्थायी सीट के लिए जरूरी सभी शर्तों को पूरी कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। पिछले एक दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोग्राम में वह अहम भूमिका निभा सकता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के सर्वे के मुताबिक यदि अगले एक दशक में यूएनएससी का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए होंगे। एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना 26% रहेगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमति जरूरी होगी। अब भारत के इस काम में रूस मदद करने वाला है। हालांकि दोस्तों, ये वास्तव में देखने वाली बात होगी कि रूस किस तरह से भारत की मदद करता है। और वास्तव में दोस्तों, रूस भारत की मदद करने के लिए एक तरह से बाध्य भी है, क्योंकि भारत ने अमेरिका की धमकियों को बावजूद रूस की मदद की थी। जब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था बर्बादी के मुहाने पर खड़ी थी, तब वो भारत ही था जिसने प्रतिबंधों की धमकियों के बाद भी रूस से तेल खरीदा। हालांकि दोस्तों, इस मामले में आपका क्या सोचते हैं? अगर चीन फिर भी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता है तो फिर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।